हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में बताने वाला हूं। और दोस्तों कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर कई सारे बड़े बड़े न्यूज निकल कर आई हैं। अगर आप सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, दुबई इन सभी देशों में रहते हैं और आप भी कुशीनगर या फिर आसपास के जिला के हैं, चाहे आप महाराजगंज के हैं, गोपालगंज, इधर देवरिया, गोरखपुर इधर के हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है। अगर आप भी कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरना चाहते हैं या फिर यहां से उड़ना चाहते हैं तो आज का जो न्यूज है वो खास आपके लिए। दोस्तों बात करते हैं कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर कि कई दिनों से न्यूज निकल कर नहीं आ रहा था, लेकिन दोस्तों फाइनली कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर कई सारे न्यूज निकल कर आई है। और साथ में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कुछ प्रैक्टिस भी हुई है, जैसे कि जब भी कोई इमरजेंसी हो जाती है, आग लग जाता है या फिर कुछ और भी हो जाती है, तो उस सिचुएशन में किस तरह से वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करेंगे वहाँ पर प्रैक्टिस किया गया है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं वहाँ पर 5 ग्रेड की गाड़ियाँ हमेशा रहती हैं, मतलब इस तरह के जितने भी जो इमरजेंसी में जो चीज़ होता है सब वहाँ पर टेस्टिंग होती रहती है, आए दिन होती रहती है। इसके बारे में तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ, लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो है उसमें ये बताना है कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर क्या न्यूज निकल कर आई है, जो बड़ा न्यूज है। और जितने भाई लोग सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, दुबई में रहते हैं उनके लिए क्या न्यूज है, उनके लिए क्या लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत दिनों से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर कोई न्यूज नहीं आ रही थी, लेकिन दोस्तों जितने भी भाई लोग हैं सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, दुबई इन सभी देशों से कमेंट कर पूछ रहे थे कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होंगी, कब तक नहीं होंगी। तो फाइनली दोस्तों वक्त आ चुका है, अगर आपका भी सपना है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरना, या फिर अगर आप गल्फ कंट्री में या फिर कहीं और भी रहते हैं और कुशीनगर पर आना चाहते हैं तो आप यहां पर आसानी से आ सकते हैं। अब इसके बारे में क्या प्रोसेस है, कैसे आ सकते हैं, कब तक कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से डायरेक्ट इंटरनेशनल उड़ानें होंगी, इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। दोस्तों बता दें कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन हुए अभी कई वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन बात करें कि कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कितने इंटरनेशनल हवाई जहाज़ यहाँ पर आए हैं तो अभी बात करें तो एक भी नहीं आया, क्योंकि जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ था उस दिन कुशीनगर में सिर्फ एक इंटरनेशनल फ्लाइट आई थी, वो आई थी श्रीलंका से। उसके बाद से किसी भी देश की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट यहाँ पर नहीं आई है। अब बहुत सारे भाई लोग इधर कमाने के उद्देश्य से गल्फ कंट्री में गए हैं, वो चाहते हैं कि हम कुशीनगर में उतरे, जब भी जाते हैं तो या फिर दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, लेकिन अगर कुशीनगर पास में रहेगा, यहाँ से सीधे अगर उड़ानें हो जाएंगी तो सभी भाई लोग कुशीनगर आ जाएंगे। तो अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों बात कर रहे थे कि क्या न्यूज निकल कर आई है, तो दोस्तों बता दें कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में न्यूज निकल कर आई है कि बहुत ही जल्द कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जितने भी गल्फ कंट्री हैं सऊदी अरब, कुवैत, कतर और ओमान के साथ जुड़ने वाला है, और साथ में जितने बौद्धिस्ट कंट्री हैं उनके साथ भी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जुड़ेगा। लेकिन अब कब जुड़ेगा इसके बारे में कोई खास अपडेट नहीं आया है, जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि बहुत ही जल्द कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान होंगी। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया।